नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत बिहार के कई रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस मशीन के माध्यम से यात्री खुद अपने आप ही रेलवे का टिकट बुक करा सकेंगे। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रतिनियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है, जो टिकट मशीन से टिकट बुकिंग का काम करेंगे। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस मशीन से जनरल टिकट निकालने का काम हो सकेगा। अब तक यह सुविधा आपने कई महानगरों में देखी होगी, जहां पर लंबी कतार से बचने के लिए यात्री सफर के लिए खुद ही मशीन से अपना टिकट बना लेते हैं और लंबी कतार का हिस्सा बनने से बच जाते हैं। ऐसे में अब यही सुविधा बिहार वासियों को भी मिलने वाली है, जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि रेलवे टिकट लेने वालों की होड़ बिहार के स्टेशनों पर काफी ज्यादा होती है। ऐसे में अगर यह सुविधा यहाँ के विभिन्न स्टेशनों पर बहाल हो जाती है तो कोरोना के माहौल में भीड़भाड़ से भी निजात मिलेगा, साथ ही लोग टिकट लेने के मामले में आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सहरसा के साथ साथ समस्तीपुर रेल मंडल के अन्य 7 रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने की व्यवस्था की जाएगी। इस टिकट मशीन के लगने के बाद से यात्रियों को टिकट के लिए लंबी कतार का सहारा नहीं लेना होगा। सिर्फ सहरसा ही नहीं, बल्कि रेलवे विभाग की तरफ से समस्तीपुर, दरभंगा, नरकटियागंज, रक्सौल, बापूधाम, मोतिहारी और बेतिया स्टेशन पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सहरसा, समस्तीपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, बापूधाम, मोतिहारी और बेतिया स्टेशन पर 4-4 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। इसके साथ साथ दरभंगा स्टेशन पर सबसे अधिक 6 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जानी है। हालांकि इसका इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके तहत स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन यानी कि ATVM का इस्तेमाल करने के लिए यात्री को संबंधित स्टेशन के UTS जनरल टिकट काउंटर से स्मार्ट कार्ड लेना पड़ेगा। स्मार्ट कार्ड की मदद से ही यात्री जनरल टिकट बनाने का काम कर सकेंगे। टिकट जारी करने वाले ATVM सुविधाकर्ता कहलाएंगे। जानकारी के अनुसार उनकी बहाली कमीशन पर की जाएगी। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार टिकट वेंडिंग मशीन के लिए एक कर्मचारी को बाहर किया जाएगा, जो कि रेलवे का सेवानिवृत्त अधिकारी होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि इसको लेकर प्रस्ताव काफी पहले ही आ गया था, जिसके तहत यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, मगर कोरोना और अन्य कारणों की वजह से इस योजना को धरातल पर नहीं उतारा जा सका था। लेकिन रेलवे विभाग ने अब एक महीने के अंदर पूरा करने की बात कही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।